एक अभी एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में, दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए, लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेंगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। एक अभी एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में, दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए, लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेंगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। एक अभी एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में, दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए, लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेंगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा।